ईपीएस संचालक नए नियम पर कई सारे नियम बदलाव किए गए हैं 2024 के अंदर। एक बड़ी अपडेट आप सुनेंगे अभी। आपको बता दें, यदि आप भी आधार कार्ड से निकासी का काम करते हैं तो ये अपडेट जानना बेहद ही जरूरी है। बता दें, यदि ईपीएस संचालक अभी आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, क्या सोल्यूशन है सब कुछ बताएंगे और क्या बदलाव किए गए हैं ईपीएस पर, अभी सब कुछ जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने ईपीएस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैनल इजी गेस्टमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी देना सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बता दें, सबसे पहला जो अपडेट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि 10,000 का राउंड फिगर विड्रॉल आप नहीं कर सकते, यानी कि 10,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। 10,000 से कम अमाउंट आप डाल के विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप 9900 करिए या 9950 करिए या 9950 से कम का अमाउंट करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। 10,000 राउंड फिगर विड्रॉल अभी नहीं हो रहा है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह अपडेट है। अब हमारा दूसरी अपडेट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही है, जो कि रिस्क थ्रेशोल्ड करके एरर इस तरह से स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अगर इस तरह का एरर आपके पास भी आ रहा है, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन में इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है, तो वैसे में समाधान यह है कि यदि रिस्क थ्रेशोल्ड का एरर आपके पास भी आ रहा है तो वैसे में आप कम अमाउंट डाल के ट्राई करिए तो फिर विड्रॉल हो जाएगा, या फिर आप आधार पे सर्विस का उपयोग कर सकते हैं।